2010 में इस पुल की संग बुनियाद रखी गई, लेकिन अब तक ये काम नहीं हो पाया। एक्चुअली यहाँ हमें एग्रीकल्चर लैंड भी है, हमें अपने ही एग्रीकल्चर लैंड के लिए सिंचाई के लिए हमें 10 किलोमीटर वहाँ से आना पड़ता है। कितनी बदकिस्मती की बात है। और हमें ये बताया जा रहा है कि इस पुल को कुछ ऑफिसर लोगों ने हड़प कर लिया है, इसके पैसे हड़प कर लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें ये पुल इस पुल की जो काम है ये आगे बढ़ना चाहिए और हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपके मुताबिक, जो ये पैसा है 6 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए। कभी क्या काम स्टार्ट हुआ था इसका? पहले जब 2010 में इसकी इनॉग्रेशन की गई, खाली 1 महीने ये काम चला, उसके बाद काम ठप हो गया। और हमें बताया जा रहा था कि ये बाढ़ आई थी 2010 में, तो इस कारण हम ये काम रोक रहे हैं अभी। तो उसके बाद हम इसका जो काम है ये दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन तब से आज तक कोई 9 साल हो गए, इसका काम दोबारा शुरू नहीं हो पा रहा है। आप कभी हायर अथॉरिटीज के पास गए इसके बारे में बात करने के लिए? हमने बहुत बार कोशिश की, हमने जो हमारे कंसर्न MLA थे उनके पास भी हम गए, लेकिन हमें खाली एश्योरेंस के अलावा कुछ नहीं मिलता है वहाँ से। मैं आपको बता दूं कि जो ये पुल है ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलाता है। बदकिस्मती की बात है जो ये ठेकेदार साहब है उन्होंने इस कश्मीर को लूट के रखा है। 6.5 करोड़ का प्रोजेक्ट, खाली 2 खम्भों के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं बना है। हम हुकाम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस जो ये प्रोजेक्ट है इस पे काम शुरू हो जाए और इन लोगों को जो है मुश्किलात का अजाला हो जाए। कश्मीर क्राउन के लिए मैं हूँ गवरवानी।